राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में विश्व पर्यावरण के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर वृक्षारोपण व स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। जगह जगह वृक्षारोपण कर लोगों को यह संदेश दिया गया कि वृक्ष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वृक्ष पर्यावरण को दूषित होने से भी बचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष अपने अंदर सोख कर हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा इबास अस्पताल में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम आयोजित कर यह संदेश दिया गया कि वृक्षारोपण कर हम अपने पर्यावरण को कैसे दूषित होने से बचा सकते हैं। साथ ही नुक्कड़ नाटकों द्वारा भी कार्यक्रम में आए लोगों को जागरूक किया गया। वृक्षारोपण कर यह संदेश दिया गया कि हमें अपने जीवन में एक वृक्ष तो अवश्य ही लगाना चाहिए। क्या कुछ कहना था DLSA के अधिकारी गणों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम सायमा जैन है, मैं DLSA सेक्रेटरी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट करकडूमा कोट हूँ। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो आज DSLSA जो कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और जो DLSAs है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट ने इभास के साथ मिलकर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया है। आज के दिन हमने मल्टीपल चीज़ें करी हैं। एक तो हमने नुक्कड़ नाटक किया है जो हम OPD में भी करेंगे और मेन प्रोग्राम में भी हमने किया है, जहाँ पे अस्मिता थिएटर ग्रुप ने एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग नुक्कड़ नाटक किया है कुदरत टाइटल पे। इसके साथ साथ हमने एक लीगल हेल्प डेस्क भी लगाई है जो दिन भर जिसपे दिन भर हमारे एक लीगल एड काउंसिल बैठेंगे और लोगों की कानूनी सहायता दूर कानूनी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। इसके साथ ही हमने एक इंफॉर्मेशन बोर्ड जो DSLSA का है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं लोगों की जो मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं एक्ट के अंडर, उसका एक उद्घाटन भी किया है। तो हमारा आज का जो और इसके साथ साथ हमने 150 सैपलिंग्स भी उगाई हैं और इभास ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा को जीवित रखेंगे। तो आज का जो उद्देश्य था वो मल्टीपर्पज़ था कि हम कानूनी सहायता भी लोगों को दे सके, लोगों को बता सके कि उनके राइट्स क्या हैं और वो किस तरीके से हमें अप्रोच कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोगों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए मोटिवेट कर सकें। हमारा देखिए मैसेज एंड यही है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो 3 R's हमें फॉलो करने हैं। एनवायरनमेंट डे देखिए हर साल आता है, इस साल 50th एनवायरनमेंट डे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और प्लास्टिक रिडक्शन पे थीम है, तो हमें निरंतर यही प्रयास करना है कि हम एनवायरनमेंट के लिए क्या स्टेप्स ले सकें, हम नई नई चीज़ें सोचें। आजकल समाज इतना आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, नई नई प्रॉब्लम्स रोज़ आ रही हैं, ई वेस्ट की प्रॉब्लम्स आ रही है, मेडिकल वेस्ट की प्रॉब्लम जैसे आ रही हैं, तो हमें सोल्यूशंस भी नए निकालने पड़ेंगे, इनोवेटिव सोल्यूशंस हमें निकालने पड़ेंगे धीरे धीरे। तो ऐसे ही हमारे प्रयास जारी रहेंगे DSLSA की तरफ से, अंडर द गाइडेंस ऑफ द ऑनरेबल हाईकोर्ट हमारे प्रयास जारी हैं और ऐसे ही हम कोलैबोरेशन हम कोशिश करते रहेंगे कि इभास के साथ और भी और इंस्टीट्यूशन के साथ हम करते रहें कोलैबोरेशन, ताकि हम ये पर्यावरण सुरक्षा का जो है कार्यक्रम ये आगे और बढ़ाते रहें। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329233
9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।